हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस बुक पार्ट टू चैप्टर की बुक है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये सेल्स बुक में हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है और फिर हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। मैंने बोर्ड पर सेल्स बुक की डेफिनेशन लिख रखी है, पहले उसे देख लेते हैं। अ बुक शोइंग द क्रेडिट सेल ओनली, नो एनी कैश सेल इज शोन, इज नोन एज सेल्स बुक। नो एनी कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक। वन थिंग मोर यू हैव टू रिमेम्बर, जस्ट लाइक परचेज बुक, जो रिमेम्बर, जो बात याद रखने की बात वो ये है, अगर कोई फिक्स एसेट सेल होता है, कोई फिक्स एसेट सेल है तो नॉन गुड आइटम्स है तो उसको हम सेल बुक में नहीं दिखाएंगे और कैश आइटम नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे आइटम्स हम अपनी सेल बुक में दिखाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक? जस्ट लाइक परचेज बुक, सेल बुक का भी ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट होता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। वो क्या है, पहले कॉलम में दिखाते हैं डेट, दूसरे कॉलम में दिखाएंगे हम पर्टिकुलर, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर की डिटेल्स यहाँ पर गिवन होंगी। एलएफमेंट लेजर के रजिस्टर में कौन से पेज में आइडेंटिफाइड है हम वो दिखाएंगे। डिटेल्स में ट्रेड डिस्काउंट काटने की तक की सारी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं और उसकी अमाउंट जाती है हमारी सेल्स वैल्यू पे, परचेज में जाती थी कॉस्ट में, यहाँ जाएगी सेल्स वैल्यू पे। देन उसमें फ्लाइट चार्जेस को हम शो करेंगे और ऐड करने के बाद टोटलिंग को हम बाहर दिखाएंगे। इस तरह से हम सेल्स बुक को प्रिपेयर करेंगे। अब देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक का फॉर्मेट बना लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको पोस्ट करेंगे और दिखाएंगे कि सेल्स बुक कैसे बनती है। क्वेश्चन है, प्रिपेयर द सेल्स बुक फॉर मिस्टर रिदमा सेल्स एंड कॉर्पोरेशन 2020। मैंने फॉर्मेट में एक बार में यह लिख लिया 2020। क्वेश्चन में है मार्च 1, मैंने यहां पर लिखा मार्च 1। सोल्ड टू मिस्टर गायत्री टी, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर सेल जिसको सोल्ड किया है उसका नाम लिखा मिस्टर गायत्री टी आसाम, अंडरलाइन किया। क्या सोल्ड किया बेटा, इनवॉइस नंबर दे रखा है 205, मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर 205 लिख दिया। थ्री चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट, तीन बोरे उन्होंने टी के सोल्ड किए, पर बोरे की कीमत 500 रुपए है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, थ्री चेस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 ईच और वैल्यू हो जाएगी बेटा 15000, 15000। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, बेटा मैं इसमें लेस कर दूंगी ट्रेड डिस्काउंट, 1500 का 5% हो जाएगा 750, डिडक्ट करेंगे और वैल्यू हो जाएगी हमारी 14250। इस क्वेश्चन में कहीं कोई फ्लाइट चार्जेस या कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर होती तो मैं यहाँ ऐड कर देती और मेन वैल्यू चली जाती हमारी 5। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 4 के ट्रांजेक्शन है, सोल्ड टू मिस्टर मोहन एंड सन्स, मैंने लिखा मिस्टर मोहन एंड सन्स, अंडरलाइन किया। इनवॉइस नंबर 206, मैंने यहां पर 206 लिख दिया। 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 पर केजी, मतलब 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 पर केजी, 250 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आ गई 5000। साथ में कह रहे हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5000 का 10% 500
250 मैंने लेस किया ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू हुई 250 और ये वैल्यू आ गई 4750 क्योंकि कोई फ्लाइट चार्जेस नहीं है तो मैंने सेम टू सेम अमाउंट हमारे टोटल में भी लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा मार्च 7 सोल्ड टू मिस्टर ग्रैनी एंड सन्स, मैंने लिखा मिस्टर ग्रैनी एंड सन्स, इनवॉइस नंबर 207 है, मैंने 207 लिख दिया। 20 kg आसाम टी एट द रेट ऑफ 600 पर केजी, 20 kg आसाम टी एट द रेट ऑफ 600 पर केजी, वैल्यू हो गई बेटा 12,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है अगेन 5% यहां दिया हुआ है, तो 1200 का आधा होगा 600, मैंने 600 माइनस किया और वैल्यू हो गई बेटा हमारी 1140 11400। वैल्यू में आने के बाद एक चीज इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है वो है हमारी फ्राइट एंड पैकिंग चार्जेस आर सेपरेटली चार्ज 1600, फ्राइट का चार्जेस लगा हमें 1600 का, वो हमने फ्राइट में लिख दिया और टोटल हो गया हमारा 11400 और 1600 वैल्यू हो गई 000 और ये हो गई 13,000। नेक्स्ट है हमारा April 9 पढ़ लेते हैं। सोल्ड टू 10 kg अमूल बटर टू मिस्टर कुकली फॉर कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन हम नहीं दिखाएंगे। और लास्ट है हमारा सोल्ड फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर टू मिस्टर राजेश एंड कॉर्पोरेशन फॉर 1500, तो ऑफिस फर्नीचर भी बच्चों हम यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि कोई भी नॉन गुड्स आइटम्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स हम सेल्स बुक में नहीं दिखाते, हम इसकी क्लोजिंग यहीं कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हम टोटल, तो टोटलिंग करेंगे बेटा, टोटलिंग आ जाएगी हमारे पास 15750 5250 और ये हो जाएगी हमारी 12,000, ये हो गई हमारी वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी पहले की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30,400, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 1600 और 30,400 और 1600 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 32,000, जो हमने टोटलिंग की है उसे डबल लाइन से क्लोजिंग करेंगे और यहां पर लिखेंगे हम टोटल या लिखेंगे सेल्स अकाउंट और इस तरह से हम बनाएंगे हमारी सेल्स बुक। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बनाया हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल्स बुक, फिर पढ़ा क्या क्या आइटम्स हम नहीं दिखाते, नॉन गुड आइटम्स नहीं दिखाते हैं और कैश आइटम्स भी हम नहीं दिखाते। हमने फिर फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट पढ़ने के बाद सेल्स बुक का एक क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको फ्राइट और सेल्स वैल्यू और टोटल अमाउंट किस तरह से पूरा टोटलिंग दिखाते हैं तो उसको दिखाया और कंप्लीट किया पूरे क्वेश्चन को। वीडियो समझ में आई हो, कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, कमेंट करके आप मुझे क्वेरीज पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। वीडियो समझ में आई हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।